सारी कमर बारे में बता रहे तो अब तक आपके माइंड में क्या था एज ए गुरु सर जी, बिकॉज बहुत दिनों बाद प्रभु देवा और सलमान के साथ में। हाँ तो दबंग इज हमारी फिल्म है जो थर्ड इंस्टॉलमेंट उसका आने वाला है 28 दिसंबर को, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छी बनी है एंड प्रभु देवा सर हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड वी रियली एंजॉयड एवरी डे ऑफ द शूट। इट्स गॉट दैट फ्लेवर दैट लोगों को चाहिए दबंग से या चुलबुल पांडे से, येट उसमें हमने काफ़ी फ्रेशनेस और एक्साइटिंग चीज़ें डाली हैं फिल्म के अंदर, जो जब ऑडियंस देखेगी तो उनको वो पसंद आएगा। मक्खी इज ऑल्सो गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन द फिल्म, बिकॉज पहले में भी था, सेकेंड में भी था, थर्ड में इनफैक्ट काफ़ी कैरेक्टर फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा वो कैरेक्टर जी। ओके सो अरबाजी, मैं जरूर आऊँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है जी। अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके, हमने देखा जितना कि ट्रेलर में एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर है आपका, तो सर आपका एक्सपीरियंस, मैं जरूर आऊँगा। तो मैं जरूर आऊँगा, जब फिल्म मुझे ऑफर हुई थी तो इस किस्म की फिल्म मैंने की नहीं थी, एक सस्पेंस हॉरर थ्रिलर किस्म की फिल्म जो एक बड़े एक्साइटिंग लोकेशन पे शूट हो रही थी स्विट्ज़रलैंड में अरोसा में। सो जब प्रेजेंटेशन जो मुझे मिला तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इस किस्म की फिल्म मुझे करनी चाहिए, इस किस्म का किरदार मुझे निभाना चाहिए, तो दैट्स द रीज़न आई डिड इट एंड नाउ द फिल्म इज रेडी एंड फॉर रिलीज, सो क्वाइट एक्साइटिंग। वेल इस फिल्म के अंदर मेरा जो कैरेक्टर है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का कैरेक्टर है जिसका एक मॉडल के साथ रोमांस हो जाता है और बहुत ही कम समय में उनका रोमांस एक मैरिज में कन्वर्ट होता है, बट उसके साथ जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं और एक थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से कैसे मेरे कैरेक्टर के ऊपर उसका असर होता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन प्ले में और फिल्म में आपको देखने मिलेंगी। नहीं एज आई यू नो काइंड ऑफ वर्क ऑन अ फिल्म प्योरली एज एन एक्टर, यू नो मैंने फिल्म डायरेक्ट की है लेकिन और कहीं कुछ मेरे से अगर पूछा जाता है तो मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूँ, बट जनरली आई काइंड ऑफ डू वॉट द डायरेक्टर और द राइटर वॉन्ट्स मी टू डू एंड आई ट्राई टू डू जस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो हमने ये फिल्म स्विट्ज़रलैंड में शूट की है, एक छोटे से टाउन में अरोसा जो एक टूरिस्ट प्लेस है, जो ऑल्सो एक स्की रिसोर्ट है जहाँ पर सारे वर्ल्ड के जो अच्छे स्कीज है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं वो वहाँ आते हैं एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस अराउंड द विंटर टाइम, तो हमने उसी टाइम में शूट किया है, तो ठंड बहुत होती है वहाँ पर और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड होती है, क्योंकि एक दिन जब हमने शूट किया था तो ऑलमोस्ट -19 degrees में शूट किया था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू शूट, बट बीइंग प्रोफेशनल्स एंड द एंटायर टीम आल्सो बीइंग देयर वर्किंग हार्ड वी स्टिल कंटिन्यूड विद आवर शूट एंड एंजॉयड आवर शूट, बट एट एनी गिवन टाइम जो नॉर्मल टेम्परेचर वो -8 -10 जो बहुत ठंड होती थी, लेकिन इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, वेरी चैलेंजिंग बट रियली एंजॉयड इट। वेल आई गेस फिल्म इंडस्ट्री में जब आदमी आता है तो शायद एक चीज़ पे रुकता नहीं है, उसको एक्टर को डायरेक्ट करना है, डायरेक्टर को प्रोड्यूस करना है, शायद कहानी लिखनी है, तो मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया है। आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टर, देन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर, देन आई डायरेक्टर, देन आई डिड होस्टिंग ऑफ शोज, यू नो चैट शोज, नाउ आई वेंचर ऑन इनटू द डिजिटल प्लेटफॉर्म, so whatever is exciting whatever comes my way if I feel that I'm excited about it I don't mind doing it. So Pinch was a very successful show for me and was highly appreciated and got a great response, so I'm in the process of trying to do a season 2, so maybe in the next couple of months I'll hopefully announce it. Yeah.